कि हमारे देश के 12 खरीब लड़के जिनको धोखा देकर, नौकरी का धोखा देकर इनको रशिया लेकर गए और वहाँ पर एजेंट्स ने इनको कहा कि सिक्योरिटी में काम करना है, बिल्डिंग की सिक्योरिटी में, और उसके बाद इनको धोखा देकर ले जाकर वॉर फ्रंट पर, रशिया यूक्रेन की जहाँ जंग हो रही है वहाँ पर इनको लेकर चले गए। और इसमें तेलंगाना के 2 लड़के हैं, कर्नाटका गुलबर्गा के 3 लड़के हैं, गुजरात का एक लड़का है हेमल अश्विन भाई, कश्मीर के 2 हैं और काशगंज उत्तर प्रदेश का 1 है। इन पीड़ित परिवार के जिम्मेदारों ने मुझसे मुलाकात की तो मैंने दिसंबर के महीने में हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब को लेटर लिखा, फिर हमारे भारत के जो एम्बेसडर रशिया में हैं उनको मैंने लेटर लिखा और इनके फैमिलीज बहुत परेशान हैं। और जो एजेंट्स हैं, इन एजेंट्स ने, एक एजेंट तो बैठा हुआ है दुबई में और उसका नाम है फैसल खान और बाबा व्लॉग्स के नाम से वो एक चलाता है, फिर एक सूफियान है ये मुंबई का है और एक पूजा है ये भी मुंबई की है। इन तीनों ने इन बेरोज़गार नौजवानों के की बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाकर इनको धोखा देकर रशिया भिजाकर इनको वहाँ पर यूक्रेन की जंग के मैदान में पहुँचा दिया। और जो इंडिया के एजेंट रशिया में है, रमेश उसका नाम है और एक मोइन है, तो मैं भारत सरकार से, ख़ास तौर से हमारे देश के वज़ीर आज़म जनाब मोदी साहब से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रशिया की हुकूमत से बातचीत करके इन 12 नौजवानों को सेफली वापस भारत को बुलाएं। इनके परिवार के लोग बहुत परेशान हैं, उन लड़कों ने अपना वीडियो भी जारी किया कि कैसे उन पर कई मर्तबा जंग के मैदान में उनको छोड़ दिया गया, फायरिंग हुई उनके ऊपर और उसमें से एक उनके साथी जो लड़का था उसकी हत्या भी हो गई, उसका कत्ल हो गया। तो ये उनके परिवार बहुत परेशान है और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार किस तरह से कर्ब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार फौरन अपने असर और रसूखात को इस्तेमाल करते हुए रशिया की गवर्नमेंट से कहेंगे और इन नौजवानों को सेफली बहिफाजत भारत को लेकर आएंगे। ये जो पूरा पैकेज है एजेंट्स के द्वारा, यूट्यूब और सोशल मीडिया के द्वारा यूज किया जा रहा है, यूज करके लालच देकर बेरोजगार युवाओं को भेजा जा रहा है जंग के मैदान में, इसके ऊपर भी आप चाहेंगे कि मिनिस्ट्री गवर्नमेंट की एक्शन हो? नहीं, ये सबसे पहली बात यह है कि ये जो एजेंट दुबई में बैठा है अगर वो भारत का शहरी है तो हम आराम से, क्योंकि दुबई यूएई भारत का एक हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम इसको वहाँ से बुला सकते हैं। और ये जो सूफियान और पूजा हैं इनको भी अगर ये भारत में है तो इनको फौरन इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और दूसरा ये कि जो रशिया में जो ये भारत के एजेंट बैठे हैं रमेश और मोइन, इनको भी हम रशिया की गवर्नमेंट से बात करके इनको एक्सट्राडाइट करें। ये भारत के नौजवान, बेरोज़गार नौजवानों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और यकीनन नौजवान चाहता है कि उसको नौकरी मिले, तो इन लोगों को झांसा देकर, धोखा देकर और जंग के मैदान में लाकर छोड़ दिया जा रहा है। ये सिविलियन लोग हैं, ये कभी ज़िंदगी में ना कभी बंदूक उठाए, ना इनको गोली मालूम, ना इनको इस तरह के माहौल को उन्होंने कभी देखा है। तो ये एक